बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने चौपाल विधायक द्वारा बीते रोज की गई पत्रकार वार्ता में उठाए सेब के मुद्दे व लदानियों द्वारा की जा रही मनमानी और प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान बागवानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जहां नई व्यवस्था को बागवानों की मांग के अनुरूप ही लाया गया है और बागवान इस व्यवस्था से लाभान्वित भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा इस तरीके से की जा रही बातें मात्र राजनीति से प्रेरित है। विधायक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक नहीं है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, पहले वो जो है एपीएमसी एक्ट को जो है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जो सेब बेचने का जो है खाली मंडी तक सीमित नहीं है, लाइसेंस होल्डर जो है सेब का कारोबार प्राइवेट यार्ड में कहीं भी कर सकता है जिसको अगर लाइसेंस हो। अब ये स्ट्राइक किस दिन की बात कर रहे हैं आप? सोलन में कोई स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि सोलन में उस दिन जो है एक बैठक जो है हमारे जो वहाँ पर एपीएमसी का सेक्रेटरी है उनके साथ जो वहाँ पर लदानी और जो व्यापारी है उनके साथ प्रस्तावित था, तो वो लोग जो है मीटिंग में थे और मीटिंग के बाद आके उन लोगों ने सारा का सारा कारोबार किया, तो उसको स्ट्राइक कहना जो है एक किस्म से जो है राजनीति से प्रेरित है ये लोग। और ये जो है खासकर एक तरफ तो ये बताते हैं अपने आप को कि ये जो है किसानों के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ जो है ये फिर जो है इन लोगों की पैरवी करते हैं जो लोग लंबे समय से किसानों को शोषण करते आए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा इनके इलाके में था, अगर किसी किस्म की अगर वहां पर इनके इलाके में सेब को लेकर कारोबार में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये बात उनके ध्यान में क्यों नहीं ला गया? वहां तो ये जो है उनके तारीफ किए जा रहे थे, और जैसे ही वो वहां से निकल गए पीठ पीछे जो है ये बातें करने लग गए। तो ये जो भाजपा जो है दो मुंह वाले बात करते हैं, इनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है।